वेलकम बैक टू माय चैनल फूड एंड इट्स लव। आज हम बच्चों के लिए कुछ स्पेशल बनाएंगे। ये रेसिपी स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये दो रीजंस के लिए स्पेशल है। फर्स्ट, ये कंप्लीट होममेड है क्योंकि इसके अंदर यूज किया हुआ न्यूट्रेला जैम भी हम घर पर ही बनाएंगे, लेकिन उसकी रेसिपी मैं आज नहीं शेयर करूंगी, वो फ्यूचर में शेयर करूंगी। तो मेरे चैनल को जरूर देखते रहना, लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी करना। और दूसरा रीजन ये है कि ये मेरी फ्रेंड की बेटी की रिक्वेस्ट है स्वरा, उसकी स्पेशल रिक्वेस्ट पर आज हम ये रेसिपी बनाने वाले हैं। तो चलो देखते हैं मेरी बेटी और स्वरा की फेवरेट रेसिपी कैसे बनाते हैं उसे। ये है इंग्रेडिएंट्स। देखिए इंग्रेडिएंट्स भी बहुत कम है और इसमें मेहनत भी बहुत कम लगती है। ये है होममेड मल्टीग्रेन आटा। ये अराउंड 2 कप्स हमने लिया है। इसमें हमने नाचनी डाली है, मेथी सीड्स डाले हैं, कॉर्न सीड्स है, ओट्स है और सोयाबीन सीड्स है। नाचनी की वजह से इस आटे को एक नेचुरल रेड कलर आता है, रेड या थोड़ा सा ब्राउनिश कलर, जिसकी वजह से हमको कोको पाउडर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये ऑर्गेनिक गुड़ है। हमने अगर 2 वाटी इसको लिया है तो हमको इसको सिर्फ 1 वाटी लेना है ऑर्गेनिक गुड़। और इसका ब्राउन कलर होने की वजह से भी हमारा चॉकलेट को बहुत अच्छा कलर आता है। ये है 1/4 कप ऑफ रवा। दिस इज़ रेगुलर रवा, यू डोंट हैव टू हैव बारीक और एनीथिंग, इट इज़ ओके जो भी है वो। दिस इज़ वेनीला एसेंस। ये अराउंड 2-3 ड्रॉप्स काफ़ी हो जाता है। यू नीड सॉल्ट टू टेस्ट एंड दिस इज द मैजिक इन्ग्रीडियंट, द न्यूटेला, होम मेड न्यूटेला। एंड हमको थोड़ा सा कर्ड लगेगा। अभी मेरा कर्ड थोड़ा पतला है बट इट्स ओके, नॉट अ बिग डील। अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स करेंगे। सिर्फ न्यूटेला, ये जो न्यूटेला जैम है इसे हमने साइड में रखा है बिकॉज इसको हम फिलिंग में यूज़ करेंगे। हमको चोको इडली बनानी है जैसे हमारा लावा केक होता है। तो चलो इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते हैं। ये पहले हमने आटा डाल दिया जो हमारा 2 बाउल आटा है। फिर हम उसमें ये रवा डालेंगे 1/4 कप वाला एंड ये ऑर्गेनिक गुड़। ये सब कुछ इतना घरेलू और इतना होममेड हो जाता है ना, और बच्चों के लिए इतना हेल्दी होता है कि मॉम्स डोंट हैव एनी गिल्ट कि हमने बच्चों को क्या खिला दिया। ये वेनिला एसेंस भी हम इसके लिए डालते हैं ताकि ये ऑर्गेनिक गुड़ का जो स्मेल है वो बच्चों के नाक में ना जाए। नमक थोड़ा सा टेस्ट के लिए एंड हम अब इसमें दही डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने इस बैटर में अराउंड 1/2 ग्लास पानी डाला है। कोई इनो, कोई बेकिंग सोडा, कोई बेकिंग पाउडर, कुछ भी नहीं डाल रहे हैं, सिर्फ दही और हमारे हाथ का ये वॉर्म्थ उसको फ्लफी बनाएगा। इसीलिए हमें इसे जितना ऐसे कर सकते हैं उतना करना है, अराउंड 3-4 मिनट्स तो कर लेना है। ये मैंने ऐसे इसको अच्छे से मिक्स किया है और अभी इसे मैं 1/2 घंटे के लिए रख दूंगी क्योंकि हमने इसमें कोई भी फर्मेंटिंग एजेंट नहीं डाला है। इसके लिए हमें इसे ऐसे ही 1/2 घंटे रेस्ट करने के लिए रखना है। अभी मेरे हाथ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए तो लेट मी वॉश देम ऑफ। विल मीट यू आफ्टर 1/2 आवर। अभी ये 1/2 घंटे वाले बाद का हमारा ये बैटर है। इसमें मैंने फिर से थोड़ा 1/2 कप पानी डाला बिकॉज वो रवा ने सारा पानी सोख लिया था तो वो थिक हो गया था। इसके लिए 1/2 कप पानी डाल के इट हैज़ बीन एडजस्टेड। नाउ मैंने यहाँ पे पानी स्टीम होने के लिए रख दिया है और अब हम इडलियाँ बनाने लेंगे। इसे हम पहले अच्छे से घी से ग्रीस कर लेंगे। आप सोच रहे होंगे ये क्या इसने यूज्ड वाला ही किया है। मुझे ये रेसिपी बनाने से पहले अपनी बेटियों को खिलानी पड़ी फिर बनानी पड़ी, वरना आज का वीडियो बन नहीं पाता। अभी हम इसे इसमें पोर करेंगे। पहले थोड़ा सा ही बैटर पोर करेंगे। हम ऐसे थोड़ा थोड़ा पहले बैटर डाल देंगे, इस तरह से बैटर डाल देंगे थोड़ा थोड़ा। ज़्यादा नहीं डालना है हमको क्योंकि हमको वो सरप्राइज बनाना है ना बच्चों के लिए, तो ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। सी ये अच्छे से
मैंने बैटर डाल दिया। अभी ये जो मेरा होममेड न्यूट्रेला है इसे हम इसमें ऐड करेंगे। अब ये थोड़ा थोड़ा न्यूट्रेला हम इसमें डाल देंगे। सी द कलर इज ऑल्सो सो ब्यूटिफुल ना। और ये न्यूट्रेला सच में बाहर वाले न्यूट्रेला से भी ज़्यादा टेस्टी और ज़्यादा हेल्दी बन जाता है, क्योंकि उसमें एडेड कलर्स एडेड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और हमारे न्यूट्रेला में कुछ भी नहीं होता। वैसे बच्चों के लिए बहुत हेल्दी और बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। हम इसमें ऐसे थोड़ा थोड़ा न्यूट्रेला डाल देंगे जिससे कि बाद में बच्चों के लिए सरप्राइज अंदर बहुत अच्छे से लगेगा। और ये न्यूट्रेला सच में बहुत टेस्टी है, आपको यकीन नहीं होगा। मैंने ये दो बाउल बनाए थे, एक बाउल मेरी बेटियों ने ऐसे ही ख़त्म कर दिया। अभी हम इसके ऊपर वापस से कवरिंग लगा देंगे, इसको अच्छे से ढक लेंगे। बहुत अच्छे से हर साइड से हम इसके ऊपर इसे डाल देंगे। थोड़ा सा मैसी हो रहा है बट इट्स ओके, कुछ अच्छा बनता है तो कुछ मैसी बनेगा तो कोई इशू नहीं है। ये अनदर प्लेट। इट्स वॉज लाइक माय स्कूल टाइम का इन बच्चों का फेवरेट स्नैक था, जो शॉर्ट लंच होता है उसके लिए। अभी एक डेढ़ साल से स्कूल बंद है तो ये ज़्यादा नहीं बनता है घर पे, आज बहुत टाइम के बाद बना है। बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश है इसके लिए। सी यहाँ मैंने स्टीम करने के लिए पानी रख दिया था, पानी अच्छे से स्टीम हो गया है। अभी हम इसमें ये रख देंगे, वन डिश एंड वन। और अब हम इसे कवर करेंगे और मीडियम गैस पर, मीडियम फ्लेम पर हम इसको कुछ 10-15 मिनट रख देंगे। इडलियाँ बहुत अच्छे से बनके रेडी हो जाएंगी। इडलीज आर रेडी। ये बहुत टेस्टी और डिलीशियस बनी है। इन्हें ठंडा भी खा सकते हैं और गर्म भी खा सकते हैं। खाने के बाद मुझे ज़रूर कमेंट में बताना ये आपको कैसी लगी। उसके पहले मेरे आगे के वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहना, मेरे वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। घर में बने रहना, मास्क लगाए रखना, दूरियां बनाए रखना, हमेशा खाते रहना, मजे करना। अभी के लिए बाय।